नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वेंकैया नायडू साहब की जीवन के बारे में बात करेंगे, यानी कि इनकी बायोग्राफी हम लोग कवर करेंगे आज। इससे पहले हम लोग आपके पूरे प्रधानमंत्रियों को भी देख चुके हैं, राष्ट्रपतियों को भी देख चुके हैं, और भी जो व्यक्ति इतिहास में यानी कि महान रहे हैं, जिनका नाम चर्चित रहा है, उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर चाहे आपका प्राचीन भारत से अशोक के बारे में हो, या फिर चाणक्य के बारे में हो, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो, या फिर आप देखते हैं सिकंदर महान हो, इस तरह के जो भी व्यक्ति रहते हैं उन सब के बारे में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग वेंकैया नायडू साहब के बारे में बात करेंगे। 2020 में बता रहा हूँ कि ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। हमारे देश के वेंकैया नायडू करेंट में भी उपराष्ट्रपति हैं। अगर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें यहाँ, तो याद रखिए इसमें संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, इस शब्द को याद रखिए, सभी सदस्य इसमें मनोनीत भी और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग वेंकैया नायडू साहब के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि वेंकैया नायडू एक भारतीय राजनेता है और इनका संबंध बीजेपी से है। किससे? भारतीय जनता पार्टी से है। 5 अगस्त 2017 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में दूसरी तरफ आपका जो एनडीए है, यानी कि उसकी तरफ से आपके वेंकैया नायडू साहब थे, और यूपीए, यूपीए में उसे शामिल कर लिया जाता है, देखिए कांग्रेस को, उसके जो सहयोगी दल है उसे मिलाकर कह देते हैं यूपीए। और आप जानते हैं एनडीए, एनडीए कह दिया जाता है बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन सबको मिलाकर एनडीए बनता है। तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार वेंकैया नायडू साहब थे, और यूपीए की तरफ से यानी कि कह सकते हैं आप लोग कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी उतरे हुए थे। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, कौन? वेंकैया नायडू, और इन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी को हरा दिया था। नायडू भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार में भारत सरकार में शहरी और आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं। वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये आप इनकी पिक्चर्स देख रहे थे, देखिए ये हैं आपके वेंकैया नायडू साहब। अगर हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन यानी कि जन्म पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो वेंकैया नायडू साहब का जन्म होता है 1 जुलाई 1949 को। कहाँ होता है? चावट फलेम नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश को एक कम्मा परिवार में हुआ था। तो याद रखना आपका, आपको इनका जन्म 1 जुलाई 1949 को होता है, कहाँ? आंध्र प्रदेश के एक कम्मा परिवार में। इनके पिता का नाम रंगेया नायडू और माता का नाम कहें तो रामानम्मा था। वे किसान परिवार, मतलब एक किसान परिवार से संबंध रखते थे वेंकैया नायडू साहब। इन्होंने BR हाई स्कूल नेल्लोर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और BR कॉलेज से राजनीति और राजनयिक अध्ययन में स्नातक किया। ये स्नातक पृष्ठभूमि प्रतिष्ठा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आप कह सकते हैं कि पढ़ाई में भी नायडू साहब बेहतर स्कोर कर पाए, पढ़ने में भी एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम से कानून में स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। 14 अप्रैल 1971 को उषा से शादी हुई इनकी, इनकी बीवी का मतलब नाम है उषा देवी। उनके एक बेटा और एक बेटी है, बेटा का नाम हर्षवर्धन और बेटी का नाम है दीपा वेंकट। अब चलते हैं हम लोग वेंकैया नायडू के करियर की बात करते हैं। आप जानते हैं कि सबका एक परिवार होता है, उसके बाद आपका कैरियर भी होता है। तो कैरियर की बात करें तो अपने कॉलेज के दिनों में ही ये दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक भी रहे हैं। जल्दी ही इन्होंने छात्र राजनीति में छलांग लगाई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हो गए। आप लोगों को बता दूं, बीजेपी में जो अधिकतर नेता हैं वो सभी आरएसएस से आए हुए हैं। फिर चाहे आप अभी देख सकते हैं जो सबसे बड़ी पोस्ट है, फिर चाहे राष्ट्रपति के ले लीजिए, कोविंद साहब को ले लीजिए,
और प्रधानमंत्री साहब को ले दीजिए, नरेंद्र मोदी साहब को, ये दोनों राष्ट्र यानी कि आरएसएस के विचारक रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उनसे ही। फिर चाहे उमा भारती को ले लीजिए आप लोग, ये सभी उसी से निकले हुए हैं। और याद रखिए, जो एबीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कहते हैं ये आरएसएस की एक शाखा है, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का छात्र संघ है। जल्द ही यहाँ पर इन्होंने सफलता प्राप्त हुई और इन्हें स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ। यहाँ से इनकी राजनीतिक करियर भी शुरू हो गया। याद रखिए, एक तरह से तो कहते हैं कि जो बीजेपी है पूरा आरएसएस चला रही है। आप इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अभी आप जितने भी अधिक से अधिक नेता देखेंगे बीजेपी में, वो सभी आरएसएस से आए होते हैं। लेकिन आरएसएस इस बात को नकारता है कि वो किसी भी प्रशासन में दखलंदाजी नहीं करता है, राजनीति में, ठीक है। अगर हम लोग वेंकैया नायडू साहब के राजनीतिक करियर की बात करें, राजनीति में आने की बात की, तो वेंकैया नायडू को साल 1972 में जय आंध आंदोलन से एक राजनीतिक पहचान मिली और ये लोगों की नज़र में आए। इस समय इस आंदोलन का नेतृत्व ककनी वेंकट रत्नम कर रहे थे। वेंकैया नायडू इस आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे और वे तब तक इससे जुड़े रहे जब तक कि पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया। और साल पे आता है 1974। साल 1974 में वेंकैया नायडू ने जय प्रकाश नारायण की भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान में आंध्र प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में भी काम किया। एक आपको बात बताऊं, यार देखिए, जो आपके जय प्रकाश नारायण थे और इन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में कई नेता आपको उभरते हुए देखेंगे। चाहे नीतीश कुमार को ले सकते हैं आप लोग, लालू प्रसाद को ले सकते हैं, उसी आंदोलन की देन है ये सभी नेता, ठीक है। उसी आंदोलन से ये सभी नेता उभरे थे। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान इन्होंने सड़क पर होने वाले आंदोलनों में भाग भी लिया और जेल भी गए। आप जानते हैं कि 1975 से 77 का टाइम काला दिन कहते हैं कानून का, हमारे यहाँ संविधान का काला दिन, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था और जो भी प्रमुख नेता थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया था। वेंकैया नायडू का राजनीतिक करियर उनके छात्र जीवन से ही सक्रिय था। इन्होंने छात्र राजनीति और उसके बाद की उच्च स्तरीय राजनीति में एक सफल प्रवक्ता का भी काम किया। इनकी वाक शक्ति का किसानों और पिछड़ी जातियों के लोगों पर बहुत गहरा असर हुआ है। आप जानते हैं सभी लोग कि अगर आप बोलने में एक अच्छी महानता है, आपके पास बोलने की शक्ति है, आपकी आवाज़ पहुंच सकती है लोगों तक, वो उन्हें आकर्षित कर सकती है, तो आप बेहतर पॉलिटिशियन हो सकते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप देखिए, इनके बोलने की शक्ति है, आप समझिए, इन्हें मतलब अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करने की लोगों को इनके पास शक्ति है। आप जब आपने सुना होगा कभी, बोलते हैं भाइयों बहनों और फिर दो चार शब्द बड़े मतलब इमोशनल जोड़ देते हैं तो जनता रोने लगती है, समझ रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक कला है उनके पास, तो एक कला राजनीति में चाहिए होती है। इन्हें अपनी राजनीतिक क्षमताओं के बल पर आंध्र प्रदेश विधानसभा में उदयगिरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक पद से नियुक्त किया गया। पहली बार साल 1978 में और दूसरी बार इन्हें 1983 में इन्होंने यहाँ से चुनाव जीता। इस तरह ये आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक मशहूर नेता भी हो गए हैं। साल 1980 से 85 के बीच ये भाजपा के आंध्र प्रदेश राज्य की लेजिस्लेटिव लीडर भी रहे। इसके अलावा साल 1988 से 93 के बीच आंध्र प्रदेश क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष और साल 1993 से सन 2000 तक बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इसी समय बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड के महासचिव भी रहे हैं और प्रवक्ता भी रहे हैं। इन्होंने जो भी काम इन्हें मिला, इन्होंने मतलब बड़े अच्छे से निभाया। आप समझिए कि एक समय में आप एक ही कुछ ही सालों में आप देखिए कि बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उसी समय पार्लियामेंट बोर्ड के महासचिव भी रहते हैं और प्रवक्ता भी रहते हैं। इसके उपरांत इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य और केंद्रीय स्तरीय कई पदों पर कार्य भी किया। साल 1998 में इन्हें कर्नाटक की राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिए, जो राज्यसभा सांसद होते हैं इनका चुनाव की बात करें, जो आपके विधायक होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं, ठीक है।
इसमें एक अच्छी बात ये रहती है कि आप किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आप वहाँ का आप निवासी हो या ना हो। जैसे आप सोचें कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप अरुणाचल प्रदेश से भी चुनाव लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वहाँ से जीत भी सकते हैं। ठीक। साल 1996 से सन 2000 के बीच इन्होंने पार्टी की विभक्ता के हिसाब से भी कार्य किया। दक्षिण भारत के नेता होते हुए इन्होंने अपनी रैलियों में हिंदी बोलने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इनकी राजनीतिक विचारों को समझ सकें। याद रखिए, हिंदी की बात इसलिए की जा रही क्योंकि जब भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती है, तो दक्षिण जो राज्य हैं आपके, वो विरोध करने लगते हैं। एक आपने त्रिभाषा सूत्र सुना होगा, अभी कल ही परसों हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है तो उसमें विस्तार से बात की गई है। तो त्रिभाषी सूत्र का मतलब होता है कि एक हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो गई, और एक अंग्रेजी हो गई, और तीसरी आपकी क्षेत्रीय भाषा हो गई। आप जहाँ जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य कर दी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये दक्षिण राज्य जो है ये दो भाषा पे बात करते हैं, एक इंग्लिश अनिवार्य, दूसरी अपनी क्षेत्रीय भाषा। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिल यहाँ की क्षेत्रीय भाषा हो गई, और इंग्लिश यहाँ की राष्ट्रीय भाषा। तीसरी हिंदी भाषा को ये राष्ट्रीय भाषा नहीं मानने के लिए तैयार है। फिर बात करें आगे हम लोग, साल 1999 आता है। इस समय एनडीए द्वारा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट में शामिल किया गया, यानी कि इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। ये आपका 1999 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात की जा रही है। इस मंत्रालय का कार्यभार को पूरा करते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसी तरह की अन्य योजनाओं को पूरा करते हुए देश का विकास किया। साल 2002 में इन्होंने जाना कृष्ण मूर्ति के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इनकी कार्यशैली को देखते हुए साल 2004 में इन्हें बिना किसी विरोध के पूर्ण 3 वर्ष की समावधि के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप लोग जब भी इस क्लास को देख रहे हो तब आपको बताना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है बीजेपी का उस समय, जब भी आप जिस समय देख रहे हो इसे, ठीक है, नीचे लिखना है आपको। साल 2004 के बीजेपी द्वारा संचालित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की हार पर इन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से 18 अक्टूबर 2004 को त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मैंने बताया ना कि जो बीजेपी है उसके सहयोगी दल है, उसे ही एक मिलाकर कह देते हैं एनडीए या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसके बाद उनके स्थान पर लाल कृष्ण आडवाणी साहब कार्यभार संभालते हैं बीजेपी अध्यक्ष का। हालांकि इसके बाद भी आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने रहे। इन्हें कर्नाटक राज्यसभा पद से पुनः साल 2004 और साल 2010 में नियुक्त किया गया। अप्रैल 2005 में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे, और साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद इन्होंने शहरी विकास मंत्री के रूप में शपथ भी ली है। तो ये 2014 तक की इनकी राजनीति की, बीजेपी में रहकर इन्होंने संभाला। उसके बाद आपको मालूम है कि 2017 में उपराष्ट्रपति चुनाव होते हैं, तो इसमें आपने देखा है उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें हम लोग, तो भारत के सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ यानी कि एनडीए ने 17 जुलाई 2017 को इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया। महात्मा गांधी के पौत्र और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार थे, यानी कि कांग्रेस की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गांधी, और बीजेपी की तरफ से आपके वेंकैया नायडू साहब चुनाव लड़ रहे थे। 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को पराजय मिली, और ये यानी कि आप समझ सकते हैं कि वेंकैया नायडू साहब 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। वैसे आंकड़ों के खेल में वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय था। वेंकैया नायडू को 516 वोट मिले, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी को 244 मत मिले। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को 272 वोट से हराया इन्होंने। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बनने वाले आरएसएस की पृष्ठभूमि के दूसरे नेता हैं। इससे पहले की बात करें तो भैरो सिंह शेखावत
इस पद के लिए 2002 में चुने गए थे। वह देश के 11वें राष्ट्रपति थे। एक बात और आपको याद रखें, देखिए क्लियर रहता है कि आप सोचिए अगर आपकी तगड़ी मतलब बहुमत है लोकसभा में, राज्यों में और आपका राज्यसभा में, तो आपका ही तय रहता है कि राष्ट्रपति चुना जाना आपका तय है। आप सोचिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में क्लियर था कि बीजेपी के पास बहुमत था और बीजेपी मतलब उसने राष्ट्रपति बना ले, तो जिसकी सरकार रहती है वही अधिकतर राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। अगर इनके, चलिए वैसे तो हम लोग बात कर चुके हैं विस्तार से, लेकिन एक बार आप लोग एक देख लीजिए इनके राजनीतिक करियर की। तो 1973-74 में ने अध्यक्ष छात्र संघ आंध्र प्रदेश विद्यालय का चुना जाता है। 1974 में संयोजक लोकनायक जयप्रकाश नारायण नारायण योजन चतरा संघर्ष समिति आंध्र प्रदेश में इन्हें चुना जाता है। 1977 से 1980 तक अध्यक्ष रहते, जनता पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष रहते हैं आंध्र प्रदेश से। 1978 से 85 के बीच सदस्य विधानसभा आंध्र प्रदेश से रहते हैं दो बार। 1980 से 85 के बीच ये नेता रहते हैं आंध्र प्रदेश भाजपा विधायक दल के। 1985 से 1988 तक महासचिव आंध्र प्रदेश राज्य से और भाजपा की। 1988 से 1993 तक अध्यक्ष आंध्र प्रदेश राज्य भाजपा की। 1993 से सितंबर 2000 तक, सन 2000 तक राज्य महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के सचिव, भारतीय संसदीय बोर्ड के सचिव, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में भाजपा के प्रवक्ता रहते हैं। 1998 के बाद सदस्य रहते हैं कर्नाटक से राज्यसभा के तीन बार लगातार। 1 जुलाई 2002 से 30 सितंबर 2002 तक, सॉरी यहाँ 2002 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भी रहते हैं। और 1 जुलाई 2002 से 5 अक्टूबर 2004 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। अप्रैल 2005 के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। 26 मई 2014 जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चुने जाते हैं, तो उस समय शहरी विकास और संसदीय मामलों के मंत्री भी रहते हैं। 5 अगस्त 2017 को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। बीजेपी में एक तो अच्छे लाभ है, मतलब आप अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो बीजेपी में आप लोग देखते हैं कि कई ऐसे नीचे से उठ के ऊपर, आप समझिए चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब को ले लीजिए या फिर चाहे आप वेंकैया नायडू साहब को देख लीजिए, मतलब इसमें योग्यता का असर तो पड़ता है। आप सोचिए नीचे से ऊपर तक जाते जाते अगर इनका अच्छा करियर रहा और अच्छी योग्यता रही तो इन्हें BIP पद मिल जाता है। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति बना दिया गया। वेंकैया नायडू के राजनीति से परे भी, यानी कि राजनीति से अलग भी इनका कुछ योगदान है, इसे भी देख लीजिए। वेंकैया नायडू की अपनी एक भी एक संस्था जिसे आप लोग स्वर्ण भारत ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, यह ट्रस्ट गरीबों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है और युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग देने का कार्य भी करती है। इस ट्रस्ट की सहायता से कई संसाधनहीन बच्चों को शिक्षा भी प्राप्त करने में मदद मिलती है, साथ ही कई युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर भी प्राप्त होता है इस ट्रस्ट के द्वारा। इस संस्था की सहायता से महिला सशक्तिकरण का कार्य भी किया जाता है। तो ये थी एक तरह से, आप देखिए किसी भी तरह की किसी की जिंदगी को एक छोटे से लेक्चर में ले पाना ये मुमकिन कभी तो ना रहा है। एक उनके बारे में सामान्य जानकारी दे दी जाती है, आपको विस्तार से पढ़ने में आप समझिए कि 2-4 साल लग जाएंगे किसी की जिंदगी को विस्तार से जानने में, समझ रहे। तो एक मतलब नॉर्मल जो सबको मालूम होना चाहिए उनकी जिंदगी के बारे में, वो सभी जानकारी दे दी जाती है आपको, ठीक है।